तो दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि समर जी निर्दोष है, अब मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ आकांक्षा दुबे जी की जो माँ है जो आरोप लगा रही है वो गलत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, उसका स्वागत भाई एक बार फिर से अपने चैनल अजय रंगीला शॉर्ट ऑफिशियल चैनल में। तो भैया दो दिन से हम वीडियो ना डाल पानी है, दो दिन से हमारे कंटिन्यू चलत रहा बनारस शूटिंग, और बनारस गल रही है शूट करे खातिर वीडियो, और कहे से आप सबके बीच में बतैला नहीं कि बनारस शूट होता लगातार हमारे एक डेढ़ महीने से, तो कल के शूटिंग रहा कल भैल है, और आज हम अभी अभी शाम के आनी है 5-6 बजे घरे। तो बनारस के कुछ ऐसा माहौल देख के हमके लगल है कि नहीं यार हमों के कुछ बोले के चाहे कुछ बतियाओ चाहे कहे से कि हम भी एक कलाकार हैं और इस समाज से जुड़े हैं, इस भोजपुरी दुनिया से जुड़े हैं, भोजपुरी लाइन से जुड़े हैं, तो हमको भी दो शब्द कहने का मौका मिले, हम भी बोलें और हम भी अपना सुझाव दें, क्योंकि बनारस देखकर जिस कंटिन्यूटी से हम गए थे, जयदीप गया था और राहुल रंगीला भाई थे, मतलब 2-3-4 लोग थे हम लोग गए थे, तो वहाँ का हम लोग एक माहौल देखे कि जहाँ मन तहाँ रिपोर्टर, जहाँ मन तहाँ हर एक चीज़, मतलब सवाल जवाब। तो आप सबको बता दें कि मैं फाइनली बात कर रहा हूँ आकांक्षा दुबे, जो उनका सुसाइड हुआ है। अब सुसाइड है क्या है उसके बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। आप सब वीडियो में पहले बने रहिएगा, आप लोग पूरा स्किप वीडियो मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी दिल की बात कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता था इतने दिन से, लेकिन मैं आज पहली बार उनके बारे में स्क्रीन पर पहली बार आप सबके बीच में बोलना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि मैंने बनारस का माहौल देखा ऐसा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो आकांक्षा दुबे की माँ है उन्होंने आरोप लगाया है समर जी के ऊपर कि मतलब उन्होंने उनका मतलब जो भी है हत्या मर्डर उर्डर के पीछे उनका हाथ है। तो फिलहाल कोई कह रहा है कि उनका हाथ है, कोई कह रहा है कि निर्दोष है, मतलब एक दूसरे के पक्ष में काफ़ी लोग बनारस में हैं, कोई उनके पक्ष में बोला, कोई उनके पक्ष में बोला, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब जो जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है जो भोजपुरी सिस्टम में आजकल आप लोग देख रहे हैं कि 26 तारीख को उनका डेथ हुआ था, 26 तारीख को हुआ था। तो मैं वीडियो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा उसी दिन शूट था, गांव में शूट हो रहा था, तो ये खबर जैसे उनका सुसाइड हुआ तो सुबह ही हम लोगों को पता चला, लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि नहीं यार क्या पता अफवाह है। यूट्यूब पे हम लोग सर्च मारे, कोई वीडियो नहीं मिल रहा था, कोई कुछ नहीं मिला था, तो एक लोगों का, एक रिपोर्टर का वीडियो मिला, तो शायद मुझे लगा कि नहीं यार हो सकता है, क्योंकि ये गलत न्यूज बना नहीं सकता किसी के ऊपर इतने जल्दी गलत। देखिए ये चीज होता है ना कि आजकल लोग जैसे कुछ होता है ना, कोई माहौल गर्म होता है तो उसको इतना गर्म कर देते, इतना मतलब ये दो पैसे के चंद के, दो पैसे के लिए ये लोग इतना गिर जा रहे हैं, किसी को कुछ भी बना दे रहे, किसी को कुछ भी कह दे रहे। तो यही चीज हम लोगों ने उसी दिन जाना कि नहीं यार ऐसा सिस्टम है, तो मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, बोलना मेरा जरूरी है, लेकिन मैं भी जानता हूँ यार हम लोग छोटे मोटे कलाकार हैं, और भाई आप लोग समझ ही सकते हैं कि अभी उस ऊंचाई पे नहीं है, शायद अभी हम लोग उस ऊंचाई पे चढ़ना चाह रहे हैं, कोई अभी गिरा दे तो शायद अच्छा नहीं, लेकिन हाँ एक इंसान के नाते, एक इंसान के प्रति कुछ बोलना भी हमारा फर्ज बनता है, हम लोग भी एक अपने देश के नागरिक हैं, हमारा भी वो है कि हम हक है कि बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में, मतलब ऐसा नहीं गलत नहीं, जो अच्छा है उसको हम लोग किसी के प्रति बोल सकते हैं। तो वही मैंने सोचा कि आज मैं कुछ बोलूँ, और बनारस मैंने गया क्योंकि सुसाइड के पहले मैंने बनारस गया था, उसके बाद तो मैं गया नहीं, लेकिन मैं कल गया तो कल माहौल ऐसा लगा करे आज बहुत ज़्यादा, मतलब कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई उनके पक्ष में, कोई उनके पक्ष में, तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आकांक्षा दुबे की माँ जी हैं, जो ऐसा ऐसा हमको तो नहीं पता, देखिए भैया कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, जब इतना कुछ सबूत मिलने के बाद नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे क्या हो गया था, तो बिना जाने हम लोग कैसे क्या बताएंगे कि कैसे क्या हो गया था। कोई कोई सबूत प्रूफ हो रहा है, कोई कोई कुछ भी आ रहा, तो मतलब जब कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं। इसीलिए कि अगर दो लोगों की लड़ाई है तो उसमें तीसरा भी बाजी मार सकता है, तीसरा भी इंसान उसके पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे होता है पटीदार खानदान में दुश्मनी हो जाए, या हमारे पटीदार में है भी ऐसा हो जाए, और तीसरा का भी मजा उठा सकता है। अगर कोई मुझे वो इंसान बोल दे, मेरा जिससे झगड़ा हुआ वो बोल दे तुझे मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, आसान मैं ये ठान लूँगा नहीं मुझे वही मारेगा, कल को कोई और मेरे साथ कुछ कांड कर दिया तो मैं तो यही समझूंगा कि नहीं वही मारा है। तो फिलहाल तीसर का भी फायदा उठा सकता है, क्योंकि हमको एक पे कमेंट कर नहीं करना है कि नहीं यही इंसान कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ समर सिंह निर्दोष है, समर सिंह गलत है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि निर्दोष है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है, जो है वो भाई हम लोग देखे नहीं है, जानते नहीं, लेकिन इतना कर सकते हैं
कि तीसर का जो है बीच वाला फायदा उठा रहा है। और ऐसा नहीं होता यार, कोई ना कोई तो होगा जरूर जो फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि हर लोग देखिए कलाकार में बहुत तरीके के कलाकार होते हैं, हर एक दूसरे से जलन होता है। आज के डेट में अगर कोई मेरे ही घर में अगर 10 परिवार है, 10 खानदान है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो कोई किसी को नहीं देखना चाहेगा कि नहीं वो आगे बढ़ रहे हैं, देखा नहीं जाएगा अगर यार ऊपर गाड़ी हो गल, अरे चार चक्का हो गल, दो चक्का हो गल, घर बनवा मत है ई बार, ये बड़ा कमाई भाई, तो बहुत ज़्यादा जलन पैदा हो जाती है। आज के डेट में कोई वो वाला चीज़ें नहीं रहेगा, पहले वाला जो चीज़ होता था शायद पिताजी हमारे बताते थे कि पहले का जो माता मेरी माँ बताती है, पिताजी बताते थे, पिताजी तो नहीं रहे लेकिन बताते थे बेटा कि पहले एक एकता होता था, पहले एक मोहब्बत होता था, एक दूसरे के परिवार में प्यार होता था। लेकिन आजकल अगर किसी के घर बैठ जाओ तो तुमको गलत ही समझेगा, तो वही जमाना चल गया है उल्टा सीधा। मैं मानता हूँ भाई, देखिए जो उनकी माता जी कह रहे हैं आकांक्षा दुबे की कि नहीं समर जी गलत हैं, समर जी, मैं नहीं कहता हूँ कि समर जी गलत नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलती उनसे हुई है, ठीक है, कोई ना कोई गलती हुई है। बिना गलती बिना वजह के इंसान कभी मतलब होता ना, ना हारता है और ना कभी मतलब उसको कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देखिए इंसान गलत नहीं होता तो उसको कोई भय कोई डर नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ गलती अगर हमसे हो जाती जीवन में, जैसे कि यही चीज़ अब इनको हमने मारने के लिए बोला, कोई इंसान मार दिया, ठीक है ना, हमने खाली धमकाया इनको, कोई तीसरा मार दिया इनको, तो हमारे अंदर डर हो जाएगा, अरे यार हमने तो इनको चिल्ला कर बोला था तुमको मार देंगे, तो क्या पता हमको पुलिस पकड़े, हमको ले जाए, हमको तो यही सब डर होता है। अगर ऐसा कुछ बात है तो भैया खुलकर बताइए, जो है देखिए अब जो होना था समर जी वो हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, आप अपनी बात खुल के रखिए। देखिए नहीं रखेंगे तब भी आप बदनाम हो रहे हैं पूरे समाज में, क्योंकि आपका इतना अच्छा खासा नाम था कि आज एक महीने में आपका पूरा कैरियर ऐसा लग रहा है मुझे ना कि जितना अच्छा खासा, मुझे जहाँ तक लगता है कि धोबी गीत एक ऐसा गीत था कि कैसेट के ज़माने में बजता था, लेकिन समर जी आए धोबी गीत को लेकर आए, आज सबसे ज़्यादा अगर बनारस हो या जौनपुर हो कहीं पर भी हो, उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टूडियो हैं, अगर सबसे ज़्यादा माना जाए तो धोबी गीत समर जी जब से गाए हैं, जब से थ्रेसर हुआ हिट, इससे पहले आम के चटनियाँ उटनियाँ जब से गाए हैं, तब से ऑलरेडी 100% में से पहले क्या होता था कि 100 में से 99% ट्रैक पे गाना होता था, लेकिन सीक्वेंस गाना बनता था, लेकिन आज की डेट में 100 में से 99% धोबी गीत लोग गा रहे हैं, ट्रैक नहीं बनवाते, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हारमोनिया ढोलक पे गाना गा रहे हैं। तो एक आपकी पहचान दी हुई थी, लेकिन आप गलत है तो उसको भी बताइए, सही है तो उसको भी आप बताइए, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। आपका जो मतलब एक होता है ना नाम, जब इंसान कीचड़ में गिर गया है तो कितना भी साफ कर ले साफ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलत है ना आप गलत हैं, कोई अगर तीसर का मजा मारा तो अपनी बात खुलकर रखिए, जो भी आपके अंदर था जो भी आपने किया, ठीक है, क्योंकि उससे एक वो हो जाए या अंदर से मतलब कि हर एक नागरिक को पता चले कि नहीं आपने किया है ऐसा, या किसी से कहा करने के लिए या नहीं कहा है, या आपने जोश में कुछ बोल दिया या कुछ ऐसी बात हो गई। तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि उनका रिलेशन भी था शायद, मैं तो देखिए मैं इतना नहीं जानता, मैं इसलिए इतना नहीं जानता क्योंकि हमेशा मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मैं किसी का वो नहीं देखना चाहता, प्राइवेट चीज़ समझना नहीं चाहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, बस इतना जानते काम से मतलब रखो, बाकी दुनियादारी से नहीं मतलब, क्योंकि हम ऐसा बंदा है अगर कोई हमको बोल दे, हाँ हम भी बचपना में बहुत गलतियाँ की हैं, ऐसा नहीं है, हम भी किसी से प्यार किए थे प्यार करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को हम कुछ भी कर दे या ऐसा वैसा कर दे, ठीक है। तो बात की बात वो यार थोड़ा सा ये होता है ना कि बचपना में होता रहता है, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि नहीं अब हमारा बचपना खत्म हो गया, अब हमको एक समझदार नागरिक बनना है और अच्छे से रहना है, आप सबके बीच में एक अच्छा नाम अच्छा फेम कमाना है, तो इसीलिए हमेशा मैं अपने आप को बचा कर रखता हूँ। मैं आप लोग जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, शायद 100 में से 50% लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो उसमें से 25% लोग को पता है कि अजय रंगीला न्यू नंबर से कभी कॉल नहीं उठाता है, जानते हैं क्यों, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे एक होता है ना कि अगर अच्छे से बात करो तो बात करने का मन करता है, लेकिन कोई वही चीज़ आज की जनरेशन का बात जैसे बता रहे हैं, अगर कोई उल्टा सीधा बात कर बतियाए तो थोड़ा सा लड़कियाँ औरतें ज़्यादा परेशान करती हैं, इसलिए मैं न्यू नंबर से फ़ोन ही नहीं उठाता, मैं प्राइवेट नंबर मतलब जिसको मुझे लगता है कि नहीं यार इनसे काम है ये है वो है वही फ़ोन मैं उठाता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, बाकी तो मैं बात कभी कभी कोई उठा भी लिया तो अच्छे से बतियाते तो मैं बतिया भी लेता हूँ। तो हमेशा इंसान के अंदर अच्छाई रहना चाहिए,
अच्छाई दिखे ना दिखे लेकिन अपने आप से आप अच्छा रहेंगे तो सच्चाई एक होता है ना कि सच्चाई कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करना है आप सबसे। आप लोग कंटिन्यू थोड़ा सा 2-3 दिन अपना दीजिए, मैं भी कुछ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो वहाँ देखा ना तो मुझे अजीब सा फील हुआ यार बनारस में, कि लोग का बात सुनकर, लोग को देख कर कि यार कोई क्या बोला है, कोई क्या बोला है। तो चलिए, लाइट भी कट गई है, आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।